हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। एंड रोज़ की तरह हम लोग फिर से द हिंदू डेली क्विज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदू का रिव्यू होता है उसी से ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ आप लोग शेयर करें और इसमें बताएँ कि इम्प्रूव क्या करना है। और हिंदू रिव्यू, इसका जो लिंक होता है, जो हिंदू रिव्यू जो हम लोग डेली करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रिव्यू का लिंक रहता है। तो जो लोग इसको देखना चाहें उसको वहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्टली भी देखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और जो डेली क्विज का सेगमेंट रहता है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली जो अभी तक पहली बार जो इन विच सिटी फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन नवंबर 2022, मतलब जो वर्ल्ड की ई चैम्पियनशिप है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चैम्पियनशिप है, ये किस सिटी में कंडक्ट होने जा रही है? तो ये नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में ये होने की पूरी संभावना है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि किस सिटी में ये ऑर्गेनाइज होने की बात चल रही है। तो राइट आंसर इसका हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो द फेमस लेजेंडरी पंडित बिरजू महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच फेमस डांस? सभी को पता है कि पंडित बिरजू महाराज ये यहाँ से थे, यूपी से थे, और ये बेसिकली कल इनका देहांत हो गया है। तो इसमें उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें बिरजू महाराज थे, ये किस से रिलेटेड थे, किस डांस से? तो इसका राइट आंसर कथक है। अब आप लोग को बेसिकली ये बताना है कि जो कथक है ये किस स्टेट का डांस है, ये आप लोग को बताना है इसमें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है, पूछा जाता रहता है ये जो क्वेश्चन है। और ये बिरजू महाराज हैं, ये यूपी से ही थे, आप लोगों को जैसे मैंने बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, अगर पेन पेपर है तो इसको नोट डाउन भी करते चलिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्मी डे से रिलेटेड है। आर्मी डे बेसिकली अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, तो रिपब्लिक डे में जो बहुत से जो आर्म फोर्सेस और आर्मी या नेवी में बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, बेसिकली उसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर 15th of January है। और अच्छा, अब आप लोग को ये देखना है कि जो रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कौन सा रिपब्लिक डे है? तो रिपब्लिक डे आप लोग को इसमें बताना रहेगा कि बेसिकली ये 26th of January है, जो तो ये कौन सा रिपब्लिक डे है, तो ये आप लोग को बताना रहेगा। तो इसका बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 15th of January है, ठीक है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो अब कोरोना चल रहा है तो डे टू डे गाइडलाइंस रहती है और कोरोना को लेके, तो अभी ये पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस का चीफ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर एंटोनियो गुटरस है। तो इसमें इसी तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उन वो भी न्यूज़ में रहते हैं, रिलेवेंट रहते हैं। तो जैसे आज की न्यूज़ में यूनाइटेड नेशंस है, तो एक दिन मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सबका जो भी चीफ्स हैं और या उनका हेडक्वार्टर्स है, उनकी मैं लिस्ट दे दूँ। और जितना भी, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आज मैं यही न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने इसको दे दिया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिकली हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल से लिया है, द रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स। इनइक्वालिटी किल्स है ये रिपोर्ट, एक ऑर्गेनाइज की गई है, ये ऑक्सफैम ने की है। ऑक्सफैम ये बेसिकली कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो इधर भी बहुत पैंडेमिक चल रहा है, तो उससे लेके बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है सभी जगह। अब इनइक्वालिटी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, तो उसको वायलेंस से जोड़ करके एक रिपोर्ट निकाली है ऑक्सफैम ने। तो बेसिकली जो रिव्यू डिस्कस किया हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया है, तो रिव्यू आप देखने के बाद आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि वहाँ से लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट बनाई है। और ऑक्सफैम बेसिकली एक यूके बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है। तो बाकी इतना ही है आज के लिए, और आपको कोई भी इसमें लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू सो मच।